तो जय श्री कृष्णा दोस्तों दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड, ये आपको थोड़ा थोड़ा गोबर जैसा लग रहा होगा ना, पर ये जो है ये लिक्विड जो है ना, जब हम कंपोस्ट बनाने के लिए रखते हैं तो कंपोस्ट में से जो पानी निकलता है या जो द्रव्य निकलता है ये है। और ये कई मायने में पेड़ पौधों के लिए या सब्जियों के लिए फूलों के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से निकलता है और ये कैसे बनते हैं और इसको कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पे कंपोस्ट बनने के लिए रखा हुआ है। अब आप देख सकते हो इसमें ये जो यहाँ पे गला हुआ रखा है ये, तो इसमें से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह जो होता है ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये जो पानी होता है ये धीरे धीरे 2-3 दिन 15-20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र का रूप ले लेता है। और ये इस टाइप से ये नीचे से गिरने लगता है जहाँ पे छेद होते हैं। तो अभी ये आपने देखा मैंने कैसे अपनी पूरी कंपोस्ट जो थी वो बची हुई जो गार्डन की जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनसे बनाया। और इससे ये जो लिक्विड निकला है इस लिक्विड को हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट लिक्विड होता है और इसमें हम जितना ये निकलता है उसके डबल मात्रा में पानी मिक्स करेंगे और देन फिर इसको सारे पौधों में या तो छिड़काव करेंगे या किसी भी छोटे से कंटेनर के माध्यम से इसको हम डाल सकते हैं। चलिए इसको डालते हैं। डालने से पहले हम थोड़ा इसमें पानी वगैरह मिला लें ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। हमारे पास पौधे बहुत सारे हैं इसको डालेंगे। इसमें पानी डाल देते हैं बहुत सारा और फिर इसको पौधों में डालेंगे। चलिए इसको डालते हैं इस मक्के की सहायता से और इस लकड़ी से बहुत अच्छे तरीके से इसको घोल लेते हैं। इस टाइप से इसको घोल लेते हैं ये देखिए है ना। और अब इसको ऐसे करके और जितने भी हमारे फूल वगैरह हैं उनमें आप इसको डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा, सभी में यूज़ कर सकते हो। याद रहे कि उससे पहले आपको पानी नहीं देना है वरना ये कोई काम का नहीं रह जाता। इसको सभी में थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हो, ये कंपोस्ट से अच्छा काम करता है। आपको सभी जितने भी फूल हैं आपके सभी फूलों में आप इजीली इसको दे सकते हैं। तो सारे जितने भी टमाटर के हैं आपकी वेजिटेबल लगी हुई है उस टाइप के हर एक फूल में आप इसको ईजिली दे सकते हैं। देखिए सॉरी तो मेरे पास बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और सभी मैं इसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा इसको दे देता हूँ। सो ऐसे ही आप भी बना के अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो भी आपके घर में सब्जियां लग रही हैं फूल लग रहे हैं या जो भी प्लांट आपने लगाए हैं उन सब में इनको दे सकते हैं जिससे उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से उनमें बहुत ही अच्छे फ्रूटिंग होगी और अच्छे फ्लावर्स लगेंगे और वो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।